अपने प्यार में बाधक बने अपने दो मासूम बच्चों की एक कलयुगी मां ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या करा दी। हत्या करने के बाद उन दोनों के शवों को मेरठ की इस गंग नहर में बहा दिया गया। जी हां, बुधवार शाम जब दोनों बच्चे लापता हुए तो शुरुआत में उसकी मां सहित उनके सभी परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि मां ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर उन दोनों बच्चों की हत्या करा दी और हत्या करने के बाद उन दोनों के शवों को इसी गंग नहर में फेंक दिया गया। फिलहाल मेरठ पुलिस उन दोनों शवों की तलाश में जुटी हुई है और प्रयास कर रही है किसी तरीके से उन दोनों शवों को यहां से बरामद कर लिया जाए। बरामद करने के बाद ही मेरठ पुलिस पूरी कहानी पे से पर्दा उठाएगी। नगर से दो बच्चों के लापता और उसके बाद जिस तरह से हत्या हुई है, क्या पूरा मामला है और किस तरह से एविडेंस सामने आए और क्या प्रूफ के सामने आए? ये 22 मार्च को थाना दिल्ली गेट पे रात 11 बजे के लगभग श्री शाहिद बेग के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि 8 बजे के लगभग उनके दो बच्चे, जिसमें एक की उम्र 10 साल है और लड़की की उम्र 6 साल है, ये दोनों घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गए थे। बच्चों का मामला था, इसमें तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकरण की कार्यवाही की गई। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के द्वारा स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसओजी टीम को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। क्षेत्राधिकारी कोतवाली के नेतृत्व में सारी टीमों को लगाया गया। टीम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, मुखबिरी, सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से 24 घंटे के अंदर पूरे घटनाक्रम का ये खुलासा किया है। पूरे खुलासे में ये निकल के आया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मूल षड्यंत्रकारी इन बच्चों की माँ और स्थानीय निवर्तमान पार्षद सऊद, ये दोनों लोगों की भूमिका मुख्य रूप से प्रकाश में आई है। ये दोनों पिछले कई साल से एक दूसरे के संपर्क में थे और इनके द्वारा संबंध होने की बात भी स्वीकार की गई है। महिला के विषय में ये बताया गया है कि ये तंत्र मंत्र का भी काम करती है। उसके द्वारा अपने पड़ोस की महिलाओं को और उनके परिवार के सदस्यों को यह कहकर शामिल किया गया कि यदि वो लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे तो उनके परिवार पे आने वाले समय में विपत्ति आएगी, जिसमें उनके बच्चों की जान तक चली जाएगी। इस तरह से इस पूरे घटनाक्रम में कुल 6, जिसमें 3 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल थीं, बच्ची की हत्या उसके अपने घर में की गई और लड़के की हत्या सामने पड़ोसी के घर में की गई। हत्या होने के बाद दोनों शवों को बक्से में डालकर एक वैगनार कार से, जो कि शाद नाम के लड़के की है, थाना सरधना क्षेत्र अंतर्गत नानू को झाल के पास गंग नहर में डंप कर दिया गया। अभी बच्चों की डेड बॉडी बरामद नहीं हो पाई है। जिनकी बरामदगी के प्रयास किए गए हैं, फ्लड प्लाटून पीएसी भी इस काम के लिए डिप्लॉय की गई। सर, अभी तक इनका रोल क्या है? इनमें इन लोगों की कनेक्टिविटी कैसे आ पाती? मैंने आपसे बताया कि सऊद और बच्चों की माँ के संबंध थे। सऊद का इंटरेस्ट ये था कि ये दोनों बच्चे अगर ख़त्म हो जाएंगे तो वो कल या बाद में इनकी माँ के साथ निकाह कर सकता है या उसको पति से अलग करके अपने साथ रख सकता है। सर, सऊद एनआरसी के मामले में वांछित आज से दूसरा इंटरेस्ट क्या है महिला वाला? महिला के विषय में बताया मैंने आपसे कि वो तंत्र मंत्र का काम करती है। उसको इस तरह की विश्वास था कि अगर हम इस तरीके से कुर्बानी देंगे तो हमारी जो सिद्धि है या हमारे पास जो डिवाइन पावर है उसके पास, वो मेंटेन रहेगी और स्ट्रांग होगी। नहीं तो क्या ये अकेले यही पावर था कि इसके साथ रहना भी सऊदी साथ रहना भी चाहती थी कि मैं? ये इस इन्वेस्टिगेशन से ज्यादा संबंध नहीं है, इस पॉइंट पे भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। नहीं, जो मर्डर है, जो आगे जो ट्रायल रहेगा उसमें आरोपियों को सजा दिलाने में मदद करेगा। अब तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में हमारे पास एक्यूज्ड के कन्फेशन स्टेटमेंट है, जिसको कि रिकॉर्ड भी किया जा चुका है। इसके अलावा हमारे पास सीसीटीवी फुटेज मिल गई है, जिसमें वैगन आर में दो पेटियां रखते हुए 5-6 लोग बैठ के वहां से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को मारने के पहले उन्हें सिरिंज दवाएं दी गई थी, वो सिरिंज हमें बरामद हो चुकी हैं। मोबाइल के CDRs हैं, जिससे इनके आपस के कनेक्शन इस्टेब्लिश हो रहे हैं। इसके अलावा डेड बॉडी की रिकवरी और बाकी चीज़ें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएंगी। गाड़ी का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन भी कराया जा रहा है और जो बॉक्स मिले हैं उनका भी हम लोग फॉरेंसिक एग्जामिनेशन करा रहे हैं। सर, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं टोटल इसमें? इस पूरे घटनाक्रम में 6 व्यक्ति शामिल थे, जिनमें सभी को हम लोग
हिरासत में ले चुके हैं। इसमें इसमें एक स्थानीय निवर्तमान पार्षद सऊद फैजी हैं, बच्चे की माँ हैं। इसके अलावा दो महिलाएं हैं, मुशर्रत और कौसर, मुशर्रत का लड़का और आरिफ नाम का एक युवक। ये सब वहीं स्थानीय निवासी हैं, इनके घर के आसपास ही सभी रहते हैं। सऊद के खिलाफ का कोई देशद्रोह का मुकदमा पहले कायम हुआ था? अब ये इस घटनाक्रम से संबंधित नहीं है तो इसको हम लोग चेक करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।